अटेम्प्ट तो बहुत हो रहा है कि मैं पानी में अभी जाऊं, लेकिन वी ऑल नो भाई थोड़ा सा मैं बहक जाऊंगा। मेरा जूता बह रहा है इन नदी, लेकिन भाई साहब एक पहले आपका नाम बोलिए। कोई नहीं कोई नहीं। Hey guys, so the trip starts now. Yes, off to Chennai for Pakistan Afghanistan in the Shatabdi early morning 5 AM settings. Of course, was difficult. Bhai, pura ek journey tha to the station itself, and that is Bangalore for you. But looking forward to Chennai and the match. Come on, bhai. Aaj ke liye kya? Afghanistan ya Pakistan? Aap log bolega. But we'll see there. चलो भाई, see you there. Okay guys, we are in the journey. भाई एक घंटा हो गया यहाँ पर और look at that, we are on the way. Beautiful mist and fog outside. Old Bangalore vibes here, मतलब great. और guess what? We have found a friend here. What's your good name, please? Ritvik. So Ritvik, who do you think is going to win the World Cup this time? India. India? Come on, India, right? Yeah. But apart from India, any other teams you think can also win? No. No? India will only win. Sure. Yeah. And Ritvik, what are you planning in Chennai apart from, of course, we talking about the match? The one thing I want to do is just go to the beach, maybe. Okay, fine. So we'll have some fun on the beach, guys. Chalo, bhai, come on, India. Get in, man, get in. So yes, guys, we are here, bhai. Chennai Central aa gaye. Aur aap dekh sakte ho mere piche. Lekin, abhi next, kahan jaane ka, yaar? Kahan jaane ka? Main figure out kar raha hoon. Should I go to where I'm checking in or the stadium directly or Marina Beach, yaar? Kyunki 2 ghante hai hamare paas. आई थिंक प्रॉब्ली मरीना बीच बनता है, क्या बोलते हैं यार? लेट्स फिगर इट आउट। यस गाइस, सो वी आर हियर, दिस इज मरीना बीच, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। लेकिन भाई सालों हो गए मुझे आए तो, आई वेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोइंसिडेंटली ऑब्वियसली स्टेडियम, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, बट स्टेडियम इज ऑलमोस्ट राइट बिहाइंड द मरीना स्टेडियम, ऑल्दो ये व्यू पर आ रहा है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट। लेकिन हाँ, यहाँ से आई थिंक इट शुड बी वॉकेबल, और अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो गो टू द स्टेडियम, आई थॉट लेट मी जस्ट चेक आउट मरीना बीच एट अगेन नॉस्टैल्जिया टाइम्स के लिए, और जस्ट काइंड ऑफ स्पेंडिंग सम टाइम यहाँ पर। कोइंसिडेंटली आई मेट कपल ऑफ पीपल यार बैंगलोर से, और थोड़ा बहुत मस्ती करे वो पानी में। मैं वापस से पानी में आऊँगा शायद आफ्टर द मैच, एंड होपफुली अ ग्रेट मैच हो। लेकिन आप लोग सोचो अभी चेल्सी के अवतार में क्यों, भाई मैं जाने वाला होटल चेंज करने वाला हूँ एंड देन गोइंग टू द स्टेडियम नेक्स्ट। अभी के लिए सी यू, मच लव। एंड ऑल्दो अटेम्प्ट तो बहुत हो रहा है कि मैं पानी में अभी जाऊँ, लेकिन वी ऑल नो भाई थोड़ा सा मैं बहक जाऊँगा। तो लेट्स जस्ट वेट, क्योंकि आई एम मेनली ऑब्वियसली टू स्पेंड टाइम विद यू ऑल, वी आर द व्लॉग, लेकिन एब्सोल्युटली भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, होपफुली सेंसेशनल हो, लेकिन सब सेंसेशनल गेम्स गोइंग बिहाइंड, और मस्त लहरें चल रही है यहाँ पर, सच में बहुत गर्मी है, इट्स हॉट एज यू नो व्हाट। हाय गाइस, सो बेसिकली मैं अटेम्प्ट हो गया भाई अपना, आ गया इंडिया अवतार में। यस भाई, इंडिया इंडिया इंडिया। तो भाई ये हमारे दोस्त मिले बैंगलोर से आए, और एक हमने चेन्नई वाले, एज मेरा जूता बह रहा है इन द नदी। लेकिन भाई साहब एक पहले आपका नाम बोलिए। कोई नहीं कोई नहीं। चलो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राम निवास। भाई तो आप एक चेन्नई से एक बैंगलोर से है, लेकिन दोनों इंडिया के सपोर्टर्स, तो क्वाइट ऑब्वियसली भाई भाई हैं बिल्कुल, और हम भी भाई हैं, और अपने कोइंसिडेंटली हमने राजस्थान के भाई भी निकले। लेकिन हैविंग सेड दैट भाई, मतलब पहले तो आज का मैच अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या लग रहा है? लग रहा है अफगानिस्तान का मैच, आज का मैच बहुत ही रोमांचक रहेगा, टफ रहेगा मैच एकदम। चलो, और पिच के हिसाब से देखें तो मैच बहुत ही टफ रहेगा, उसमें अफगानिस्तान के जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। चलो, और यहाँ पर जैसे फोन आ गया, लेकिन यहाँ पर पिच के हिसाब से बोल रहे हैं, नॉट बीच के हिसाब से, बट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? वर्ल्ड कप इंडिया, इंडिया। मरीना बीच, लेकिन मुझे ले जाना होटल और भागना है, क्योंकि भाई गीला हो गया हूँ जोश में, लेकिन कोई नहीं, देयर इज टाइम, एंड कम ऑन इंडिया, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान आ जाओ। यस गाइस, सो वी आर हियर हेडिंग टू द स्टेडियम, भाई राइट बिहाइंड अस, लिटरली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द स्टेडियम, और यहाँ हमारे विजय भाई यहाँ पर है। विजय भाई भी बैंगलोर से आए हैं, ऑफ कोर्स ही नोस चेन्नई एज़ वेल, दैट हेल्प्स। लेकिन भाई विजय भाई, आज कौन जीतेगा बोलो पहले? ऑफ कोर्स अफगानिस्तान, यू नो द आंसर। लेकिन भाई वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? वर्ल्ड कप तो एक ही है, इंडिया इंडिया। चलो गाइस, आई एम एंटरिंग इनसाइड द स्टेडियम, स्टैंड हैज कम जस्ट अबाउट इन टाइम, 10 मिनट बाकी है, लेकिन भाई सब जगह खचाखच भरा हुआ है। इट्स नॉट लुकिंग लाइक एन अफगानिस्तान पाकिस्तान गेम, एंड इट्स लुकिंग ऑलमोस्ट एन इंडियन गेम, लेकिन काफी सपोर्टर्स मिले अफगानिस्तान से भी, प्रॉपर अफगानिस्तान से, आई मीन राइट।
देखना हम लोग अफगानिस्तान का जर्सी ढूंढते हैं, मिला नहीं। इट्स टाइम टू गेट इनटू द स्टेडियम नाउ प्रॉपर, ठीक है। तो फाइनली ऑलमाइटी स्पोर्ट्स एंड ऑलमाइटी ब्लूज आर इनसाइड अ क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच ऑफ 2023 एंड यस एज द पाकिस्तान एंड सम अफगानिस्तान प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग एज वी सी। भाई सीढ़ियां तो मतलब सुभान अल्लाह लिटरली 7-8 फ्लोर्स ब्रो, लिटरली 7-8 फ्लोर्स, बट कोई नहीं, लहरा झंडा दोनों का, देखते कौन जीतता। चलो भाई फाइनली भी आइयो, देख सकते हैं आप लोग क्या एटमोसफियर है, अभी बन रहा है, 1:30 बजने ही वाले हैं। But let's search for a seat while the practice is going on. Yes guys, finally seated. क्या view है देखिए आप, super it is. Atmosphere is still building, not yet. लेकिन कोई नहीं, 20 मिनट बाकी है. I don't know if you are able to hear me. So guys, starting. यहाँ पर आप देख सकते हो, भाई दोनों मस्त सा flags लगा रहे हैं, भाई this is fun. I know it's not India, but still, you know, great setting for sure. I think we get for good. Afghanistan or Pakistan आने वाले हैं और दुबई पिक्स। Good luck, yeah. No matter what, 2023 World Cup में हम आ गए यार, और क्या चाहिए था? But hopefully a great match. Like I've been saying the entire day. Cheer, भाई cheer हो रही है। Pakistan के लिए cheer हो रही है। No cheer, yeah. More cheer. That's interesting. कोई नहीं, अच्छा मैच चाहिए आपको। ओके द टीम्स आर हियर, टीम्स आर हियर, सेटिंग्स प्रॉपर ना, फील आ रहा है, डेफिनेटली वर्ल्ड कप मैच का फील आ रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान, एज मच एज यू कैन से दैट पाकिस्तान आर द बेटर टीम, राइट, देयर इज अ सम राइवलरी क्रिएटेड ऑलरेडी, ऑल्दो इट्स नॉट देयर क्राउड, लेकिन क्राउड ऑलरेडी नजर आ रहा है सरप्राइजिंगली। मैच इज गोइंग टू बिगिन नेक्स्ट, लेट्स टेक अ स्टेडियम टूर भाई। अभी भी यार फील हो रही है, काफ़ी एम्प्टी लग रही है स्टेडियम, आई नो, बट इट्स मंडे आफ्टरनून इन चेन्नई हॉट सन हाउ, लेकिन देयर विल बी पीपल कमिंग इन बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टिकट्स सोल्ड, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर सोल्ड। चलो भाई अफगानिस्तान डेफिनेटली आज पाकिस्तान ऑन द टॉस एंड चोज टू बैट फॉर अफगानिस्तान, फील्डर्स आर आउट, और पाकिस्तान के ओपनर भी आ रहे हैं, ऐसा क्या होता है जलवा। First ball, this is भाई सेकेंड ओवर की शुरुआत, मुजीबुर रहमान इन टू द अटैक, देखते क्या करते इमाम और अब्दुल्ला। मोहम्मद नबी बोलिंग गाइस, मोहम्मद नबी, पाकिस्तान हैड अ डिसेंट स्टार्ट अमर्स से, बढ़िया, अभी तो बहुत बाकी है गेम, चलो अभी बाकी है। सो गाइस इमामुल्लाह इज आउट, फाइनली द फर्स्ट विकेट फॉर अफगानिस्तान, और बाबर ब्रो, बाबर घंटे का किंग सच में कि नहीं बोले सब लोग, भाई ही इज कमिंग ऑन अगली, लुक एट द स्टेडियम, प्रॉपर चीयर्स हैपनिंग, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे कि नहीं, बट भाई अफगानिस्तान इन हडल आफ्टर टेकिंग इमामुल्लाह विकेट फॉर 17। तो भाई साहब फाइनली 15वें ओवर में आ गए राशिद खान और प्लेइंग अगेंस्ट घंटे का किंग अपना, लेकिन पाकिस्तान का मेन बैट्समैन ऑब्वियसली फॉर नाउ बाबर आजम, दैट विल बी अ कॉन्टेस्ट इन हाफ फर्स्ट शोर, देखते हैं और राशिद डू भाई प्रेडिक्शन हो जाए, वॉच द एंड ऑफ द व्लॉग। भाई चीयर हो रहा है भाई, बाबर के भी बहुत चीयर हो रहा था और राशिद के भी काफ़ी चीयर हो रहा है, पहला बॉल डाल रहा है यहाँ पर। नूर अहमद इज कम ऑन गाइस, अफगानिस्तान प्लेइंग विद 4 स्पिनर्स, चेन्नई का ट्रैक है, तो भाई क्या लगता है आप लोग को आज बॉल कितनी फिरकी लेगी यार, अपना कचरा खेलेगा, नाइस बॉलर बन गाइस। अब्दुल्ला शफी का 50 हो गया और नेक्स्ट बॉल में ऑलमोस्ट आउट हो गया, क्या ही तो बोले, बट स्कोर इज इंटरेस्टिंग, अगर 2 विकेट गिर जाते तो यू नेवर नो। तो भाई आउट है अब्दुल्ला, बेसिकली ट्राई टू स्वीप, DRS रिव्यू लिया इन्होंने अफगानिस्तान ने, मुजीब हुज बोलिंग, नूर इज बोलिंग गाइस। भाई रिजवान आया पिच पर और भाई लुक एट दिस, आफ्टर अब्दुल्ला शफीक हैज गॉट आउट, ऑब्वियसली डीआरएस रिव्यू प्रूव टू बी सक्सेसफुल,
रिजवान के लिए क्या चीयर हो रहा है, जस्ट लाइक बाबर इन चेन्नई। एनीवे स्कोर आप देख ही सकते हो, शायद 110 फॉर 2 विकेट्स। इंटरेस्टिंग है, होगा अभी नेक्स्ट अगर एक और विकेट गिर जाए तो लेट्स सी व्हाट द स्पिनर्स ऑफ अफगानिस्तान कैन डू। गाइस नूर अहमद इट इज अगेन स्ट्राइकिंग, कॉट अ शॉट फॉर इन लेग, रिजवान ट्राइंग अ स्वीप। और अभी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि चचा आने वाले, बट वी नो दैट ही कैन हिट। अगर यहाँ पर चेन्नई पर अगर आपने 250 से ज्यादा मारा है तो इट इज अ गुड स्कोर, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नबी टेक्स अ विकेट ऑफ साउथ शकील, वन कॉट बाय राशिद आई गेस राइट। दिस कैन बी अ गेम चेंजर, यू नेवर नो, देखते व्हाट हैपेंस नाउ। तो बाबर आजम नियरिंग इज 50, एक रन चाहिए। और साउथ शकील के बाद आउट होने के बाद मीनवाइल वायरिंग चचा कम सवाल इसका, इंटरेस्टिंग। चलो भाई देखते हैं बाबर 50 मारता है, प्रॉब्ली लेट नबी बोलिंग टू हिम। घंटे का किंग, एक्चुअली घंटे का किंग नहीं है कि है, बट मैच इज इंटरेस्टिंग। अगर 250 मारते हैं पाकिस्तान, आई स्टिल बैक पाकिस्तान, देखते हैं। और 50 हो गया बाबर का, हो गया यहाँ पर। भाई बाबर आजम वेल प्लेड बट ही इज आउट फाइन, मतलब कॉट बाय हिटिंग अ शॉट ओवर, ट्राइंग टू हिट अ शॉट ओवर कवर। और नूर अहमद इज बोल्ड ब्रिलियंटली, मस्ट से ट्रेनर टीम किया बैट्समैन को, बट बॉटम लाइन बीइंग दैट फिफ्थ विकेट लॉस्ट जस्ट अंडर द 42nd ओवर, इट माइट बी द टर्न। और भाई चाचू का भी यार, चाचू इफ्तिकार का भी अगेन सरप्राइजिंगली आफ्टर शादाब, लेकिन इफ एनीवन कैन हिट अ स्पिनर प्रॉब्ली देम टू कैन डू। देखते क्या होता है, इधर वेज होगा, या तो मारेंगे लेकिन विकेट इतने हैं नहीं तो शायद थोड़ा और कैरफुली खेलेंगे, बट बिल्कुल भी ज़्यादा वे राउंड। सो यार लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स समाओ, बेसिकली स्पिनर्स को सब पूरे कोटा ओवर नहीं दिए गए, मतलब दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अजमत कमिंग इन बोलिंग वेरी लेट तो क्वेश्चनेबल है, लेकिन यू हैव टू गो टू पाकिस्तान स्पेशली लाइक यू नो बाबर आजम, शादाब और इफ्तिकार चाचा, मतलब दे हैव रियली बैटेड वेल नो मैटर वॉट। लेकिन लास्ट ओवर इनिंग्स 279 फॉर 5 है, देखते कितने मारते हैं। एंड इफ नॉट फॉर गुरबाज तो आई थिंक पाकिस्तान ऑफ फेवरेट। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स 282 फॉर 6 और शादाब ऑन स्ट्राइक। आउट हो गए 282, बट इट्स अ वेरी गुड स्कोर 282। यस गाइस सो इनिंग्स हो गया, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं एज वेल, लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक। ऑफ कोर्स देयर वर मोमेंट्स वेयर बोथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैड द अपर हैंड, मोर ऑफ पाकिस्तान लेट्स जस्ट से दैट। लेकिन अगेन फोर स्पिनर्स अटैक पाकिस्तान डिड मैनेज एंड अप्लाई देमसेल्फ बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से। और यहाँ पर हमारे पास हरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हरी वेलकम टू द चैनल ब्रो। व्हाट डू यू थिंक एज एन अगेन इफ यू हैव टू से वन इनिंग्स विच प्रॉब्ली अपार्ट फ्रॉम बाबर हिटिंग द स्कोर, बट यू थिंक वाज देयर अ पॉइंट व्हेन अफगानिस्तान मिस्ड जस्ट अ टैक्टिक, दे कुड हैव गॉन लेस, आई थिंक दे हैव कंसीडेड फार टू मेनी, आई थिंक दे कुड हैव गॉटन अस्मत मच अर्लियर, करेक्ट, दे कुड हैव कैरीड ऑन विद द स्पिनर्स फार डीपर। If it goes well, we are expecting a classic here. But fingers crossed about it. So the Gurbaz show is on, guys. Don't worry. Stick around till the end of the vlog, of course. There's a lot to be discussed as well. Because remember, it's a do or die. Technically for both the teams, but we all know that Pakistan ke liye thoda sa zyada hai. Because of the reality. Lekin bhai, kaun bol raha hai ki nahi aane wala? Because recently, Gurbaz ne kiya against Pakistan and you never know. But others have to back him there. And of course, Shahin Shah Afridi not bowling well is key for Afghanistan. On the other hand, Pakistan ke liye Haris Rauf coming back to form. Like जैसे शादाब ने एक्चुअली फॉर्म दिखाया, अ चेंज ऑफ इनिंग्स माइट बी द वेरिएशन फॉर देम इन द टूर्नामेंट, बट लेट्स सी हाउ व्हाट हैपेंस। और स्टिक अराउंड गाइस, इट्स टाइम फॉर द चेज टू बिगिन, इट इज अफगानिस्तान बैट्समैन कमिंग टू द पिच और पाकिस्तान आई ब्रेक में काफी रेडी लग रहे थे, मतलब दे वर रियली रियली गिविंग द बेस्ट, बट इट इज नॉट मैटर व्हाट दे डू इन द 50 ओवर्स। दैट्स बीन हियर 283 इज अ वेरी स्विफ्ट टारगेट, बट यस लाइट्स आर टोटली टेकिंग इट्स इफेक्ट। पहला बॉल ही आई गेस डाउन द लेग साइड फॉर अ बाउंड्री, गुरबाज
हु नीड्स अ मैजिक इनिंग इफ अफगानिस्तान को जीतना है मैच, राइट? शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग, लेट्स गो ऑन द स्टेडियम वंस, ब्रिलियंट इन द लाइट्स। अब थोड़ा सा क्राउड और फिलअप हो गया है, तुम्हारी बात करते करते ही 50 रन हो गए अफगानिस्तान के, 50 हो गए। और हैरिस राव के पहले ओवर में 3 बाउंड्री हो गए गुरबाज द्वारा। It's become like 94 for no loss with Ibrahim on 49 और गुरबाज on 44। उसामा मीर अच्छा बॉलिंग कर रहा है, नाइस लूप। हैरिस राव इज बॉलिंग बिट टू फास्ट, लेकिन उतनी जल्दी जा रही है बाउंड्री पर बॉल, तो लग रहा है थिंग्स आर लुकिंग गुड। बट लाइक वी नो अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर इज नॉट एज रिलायबल, तो ऑल पाकिस्तान नीड इज अ विकेट एंड दे माइट एज वेल बॉल टू लेग स्पिनर्स इन टैंडम। अभी दिस ओवर इज इंपॉर्टेंट नाउ। मतो ना भाई। गोइंग फॉर द 50 लुक्स लाइक इट इब्राहिम, थोड़ा सा एंशियस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट आई फील इस पार्टनरशिप में, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। ऑल्दो सचिन बोले तो देख लीजिए 150 रन पार्टनरशिप एटलीस्ट। भाई 100 हो गया अफगानिस्तान का, 103 फॉर नो लॉस विद गुरबाज ऑन 50, एक रन चाहिए। ओ बच गया, हो गया यार, चलो भाई 50 डाल दो गुरबाज, गुरबाज ओपी हो गया।21 overs after what 21 overs Shaheen Shafridi coming on again, that's good because obviously we know who won to win, but Shaheen Shafridi can be the difference maker now. First ball, bhai yahan par out ho gaya, chalo chalo bhai catch out, top edge third man. 32 ओवर्स 23 ओके गाइस, 19 ओवर्स में 100 चाहिए, 50 पार्टनरशिप हो गया रहमत और इब्राहिम का। ज़्यादा रन कहीं ना कहीं आए और उसको मैंने तो मैच मिल जाएगा, जीत जाएगा एज इट इज बी हिस्टोरिक रिजल्ट, लेकिन अगेन कपल ऑफ विकेट्स अवे। अभी मैं दे रहा हूँ पाकिस्तान को मे बी जस्ट अबाउट 45%, अफगानिस्तान को 55%। यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग टीम होता ना तो अफगानिस्तान को और अदर स्ट्रॉन्ग टीम को ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, लेकिन वही है मिडल ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान इतना रिलायबल नहीं है। और पाकिस्तान इब्राहिम हैज जस्ट गॉट कॉट बिहाइंड असर अली के बॉलिंग पे आई बिलीव, तो आफ्टर स्कोरिंग 87 हिम एंड गुरबाज एंड रहमत हैव बैटेड रियली वेल, बट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। अभी भी मैं देना चाहूँगा अफगानिस्तान को 55%, पाकिस्तान को 45%, कंसिडरिंग दैट पीपल लाइक नबी एंड राशिद कैन बैट अलॉन्ग विद अ कपल ऑफ मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो इंक्लूडिंग द कैप्टन जो आ रहे हैं अभी, बट we know that experience counts at this point and that's what Pakistan have more than Afghanistan as much as okay Pakistan have got in 2 brilliant overs, surprisingly it is Iftikhar or followed by Hasan Ali maiden over thanks to Hashmat or Rehmat, basically tuk-tuk play karna, all of a sudden 88 runs required of 84 balls. Ab main de raha hu Pakistan ko 60%, 40% Afghanistan. Okay, Pakistan have got in 2 brilliant overs. Surprisingly, it is Iftikhar or followed by Hasan Ali maiden over. Thanks to Hashmat or Rehmat, basically tuk-tuk play karna. All of a sudden, 88 runs required of 84 balls. Ab main de raha hu Pakistan ko 60%, 40% Afghanistan. Okay, bhai, not out. Shaheen Shah Afridi is coming to the attack with 215 for 2 at 39 overs. Rehmat ke against ek DRS liya hai unhone. We are not out there. This is Shaheen Shah Afridi, the first ball of the Australian innings. You all remember that, right? So well done.
रहमत का 50 हो गया यार, 222 फॉर 2, डबल नेल्सन, 223 हो गया, चलो 223 हो गया फॉर 2, 40.2 ओवर्स. अब ऑल ऑफ अ सडन एवरी टू ओवर्स इज चेंजिंग, अफगानिस्तान 60%, पाकिस्तान 40%, चलो 44 और 42 बॉल्स रिक्वायर्ड. भाई पैसा वसूल, सिंपल. पहला तो मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, बट एट द सेम टाइम नाउ इज एनर्जी फ्लोइंग थ्रू. अभी देखते क्या होता है आगे, वही बोल रहा हूँ, लिटरली परसेंटेज वाला प्रेडिक्शन में स्टॉप करो अभी, बिकॉज इज नो पॉइंट, इट्स सच अ क्लोज मैच. गाइस 250 हो गया, 250 हो गया है, 32 रिक्वायर्ड ऑफ 33 बॉल्स में शाहीन अफरीदी बॉलिंग, और जीतेगा भाई, जीतेगा अफगानिस्तान, जीतेगा वो नारा चल रहा है स्टेडियम में. शाहीन अफरीदी बॉलिंग, ब्रिलियंट शॉट, अशमत ने खेल लिया यार, कैप्टन इनिंग्स यू कैन आर्ग्यू. द स्कोर इज व्हाट, 264 for 2. They should win it from here. Come on, just 22 was 18. 18 of 20, exactly. Historical result, man. Yes. Absolute crazy scenes, guys. Guys, 5 runs required. 5 runs, and bhai jeet rahi hai Afghanistan. Second major moment of this World Cup for them. Lekin it's no longer an upset. Bhai, Afghanistan have arrived, and how? Lekin Pakistan ka kya scene hai, yaar? Matlab, I know all hell will break loose. But it's probably time for Babar to go. What's the use of him being captain yet in this World Cup? Kya bolte ho? 4 runs required, 13 balls remaining. Hasan Ali coming into bowl. Aur Hashmat. Chalo, dot ball ho gaya. Goes in the next over. By the way, meri halat khassi ho gayi. Itli thoda energy low lag raha hoga aap logo ko, because Chennai mein thodi hawa chali aur meri mujhe sardi lag gayi hai. But yahan par winning runs hona chahiye is baar. चलो एक रन रिक्वायर्ड, स्कोर आर वेल गाइस, और यहाँ पर मतलब यू कैन ऑलमोस्ट आर्ग्यू दैट बाबर का लास्ट मैच है कैप्टन से, मतलब व्हाट आई वुड लाइक टू से, ऑल्दो माई डिसएग्री, लेकिन कीपिंग वन ओवर ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैरिस रॉक हैड वन ओवर लेफ्ट राइट, दैट इज द सीन, दैट इज द सीन. एंड यस, लास्ट बॉल ऑफ द 49th ओवर, वन रन रिक्वायर्ड. This will be the moment I feel. विक्ट्री लैप हो रहा है प्रॉपर अफगानिस्तान का, ऑसम स्टफ मैन. भाई द काइंड ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर दे हैड, लेकिन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे कीप गेटिंग, एंड आई विल नॉट इवन से भाई सरप्राइजिंग है अभी तो, भाई दे आर क्वालिटी, क्या जज्बा है वो, क्या जज्बा है, मतलब ग्रेट. एज अ नेशन दे फेस सो मेनी थिंग्स, ऑब्वियसली फॉर अ रीजन, इंडिया की सेकेंड टीम रही है, मतलब फॉर रीजन. वाओ, congratulations to Pakistan, but bro, let me tell you, this is awesome stuff, this is goosebumps time, goosebumps time. Stadium se koi nahi ja raha, koi nahi ja raha.